उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा फील नहीं किया था। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं देखता हूँ कि पास्ट में उनकी सोच आपके लिए क्या थी और अब क्या है। मुझे ऐसा लगता है जब आप लोग पहली बार मिले तो आपके पर्सन को आप काफ़ी डेलिकेट और प्योर लगते थे। आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर्ड एंड केयरिंग हैं। ज़्यादातर लोगों में जो चालाकी और कनिंगनेस होती है वो उनको आपके अंदर नहीं दिखी और आपके पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ प्यार था। फर्स्ट फ्यू इंट्रैक्शंस में शायद आप लोग उतना घुल मिल नहीं पाए, बट इवेंचुअली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हो गए क्योंकि आपका इनोसेंट नेचर उन्हें बहुत अच्छा लगा। और आज की दुनिया में आपके जैसे सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। पहली बार मिलने पे आपके पर्सन को आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी पसंद आए थे, जैसे कि आपके बाल और आपकी आंखें। आप उन्हें काफ़ी क्यूट लगे थे। आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस और ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देते हैं और इस क्वालिटी ने आपके पर्सन को भी काफ़ी इम्प्रेस किया था। आप जिस तरह से दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे थे उससे आपके पर्सन को भी ये समझ में आ गया कि आप बहुत ही काइंड नेचर के इंसान हैं। आपके अंदर अच्छाई है और आप जितना कर सकते हैं उतना आगे बढ़कर दूसरों की हेल्प करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आपका पर्सन एक बार के लिए काफ़ी शॉक में था कि आज के टाइम जहां मोस्टली लोग बस अपना काम निकालना चाहते हैं, वहां उन्हें आप जैसा प्योर हार्टेड पर्सन कैसे मिल गया। मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रही हैं कि वो पहली कुछ मुलाकातों में ही आपसे इतना इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली थी। वो आपके कॉन्फिडेंस, आपके एम्बिशन और आपके फोकस से काफ़ी इम्प्रेस थे। वहीं आपकी काइंडनेस, आपकी सॉफ्टनेस और आपकी इनोसेंट नेचर वाली पर्सनैलिटी ने उनका दिल जीत लिया था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा फील नहीं किया था। वो शायद काफ़ी कन्फ्यूज थे लेकिन काफ़ी एक्साइटेड भी थे और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपका पर्सन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के टाइम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, ढंग से अपनी बात नहीं बोल पाते। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आज तक आपसे अपने दिल की ट्रू फीलिंग्स ना शेयर की हों। आपके पर्सन को पहले ही समझ में आ गया था कि ये सिर्फ कोई इंस्टेंट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो आगे चल के एक सीरियस रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। वो आपकी तरफ एक अनवॉइडेबल पुल महसूस करने लगे थे जिसे वो खुद भी शॉक्ड थे। वो आपके साथ स्पेंड किए गए टाइम की मेमोरीज को बार बार अपने माइंड में प्ले करते रहते थे और इसलिए वो जल्दबाजी करके आपके साथ बने इस कनेक्शन को वीकेंड नहीं करना चाहते थे। वो एकदम श्योर होके ही कोई स्टेप लेना चाहते थे। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं अब आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। तब तक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जितना आपको जाना और जितना ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड किया, उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि वो जितना आपको सॉफ्ट और इनोसेंट समझते थे, आप उतने स्ट्रांग और ब्रेव इंडिविजुअल भी हैं। उन्होंने नोटिस किया कि चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं और साफ दिमाग से बेस्ट डिसीजन लेने में फोकस करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को अपनी बात ढंग से समझाते हैं और सभी आपकी बात सुनने के साथ साथ आपके वर्ड्स को वैल्यू भी करते हैं। आप किसी भी बात पे आपका क्या टेक है या क्या ओपिनियन है वो दूसरों के सामने रखने से घबराते नहीं हैं, नर्वस नहीं होते, लेकिन वो गुडनेस, वो काइंडनेस जो आपके पर्सन ने आपके अंदर फील की थी वो आपके अंदर आज भी है।
बावजूद इसके कि आपकी इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, आप अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करते या दूसरों को अपने से नीचे नहीं देखते, बल्कि सबको अपने साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं। आप आज भी पूरे मन से दूसरों की हेल्प करते हैं और ये बात आपका पर्सन भी बहुत अप्रिशिएट करता है। दूसरी चीज़ जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ वो ये कि आपके पर्सन ने आपके अंदर काइंडनेस फील की थी, वो आज भी आपके अंदर है। आप आज भी सब में प्यार मोहब्बत बांटने में बिलीव करते हैं। शायद आप किसी से ओपन अप और कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और सबको खुश रखते हैं। आपकी क्वालिटी आपके पर्सन को काफ़ी पसंद है और इसीलिए उन्हें आपके साथ बातें करना और टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद है। आपके पर्सन को पता है कि आप उन्हें कभी उदास रहने नहीं देंगे और हमेशा उन्हें अपनी बातों से चीयरअप करते रहेंगे। जितना अच्छा इंसान वो आपको पहले मानते थे, उतना ही अच्छा इंसान वो आपको अब भी मानते हैं। मुझे काफ़ी स्ट्रांग वाइब्स इस बात की भी हैं कि फिलहाल आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल। आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो अपनी फीलिंग आपसे कन्वे करने में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। वो जल्द से जल्द सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करके आपके पास आना चाहते हैं और आप भी ज़्यादा टाइम उनसे दूर नहीं रह सकते हैं। आई बिलीव कि आप दोनों इन अप्स एंड डाउन्स को ईजिली पार कर लेंगे। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। होप, ये फेरी कहना चाहती है कि होप हमेशा से ही आपके रास्ते में मौजूद है, फिर चाहे आप उसे देख पा रहे हो या नहीं, बट वो है। इस फेरी के जरिए यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में बदल देती हैं। वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।